बिग बॉस के घर में देवोलीना को मिली है बड़ी सजा। देवोलीना की इस सजा को सुनकर इजाज खान के होश उड़ गए हैं। क्या मिली है देवो को सजा, हम आपको टीवी धमाका पर बताने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जिस तरीके से बिग बॉस के घर के अंदर तोड़फोड़ की गई और बिग बॉस की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है, उसको लेकर अब उन्हें बड़ी सजा सुनाई गई है। जहां एक तरफ सलमान खान की उनको फटकार पड़ने वाली है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें बुलाकर सजा सुनाई गई है, जिसे सुन एजाज खान के भी होश उड़ गए हैं। क्या सुनाई गई है सजा, क्योंकि ये जो सजा सुनाई गई है उसके बारे में भी जानकारी दे दी गई है। बिग बॉस की प्रॉपर्टी को तोड़ने फोड़ने के लिए अब उन्हें इसी हफ्ते निष्कासित कर दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि एजाज खान की जगह पर उनकी प्रॉक्सी बनकर देवोलीना घर में आई हैं। ऐसे में देवोलीना को घर से निष्कासित करने का मतलब है कि अब एजाज खान के शो में एंट्री नहीं होगी। जी हाँ, एजाज खान के शो में एंट्री अब नहीं होगी, क्योंकि देवोलीना को निकाल दिया गया है और इसी हफ्ते वीकेंड का वार में इस बात की घोषणा कर दी जाएगी। तो एक बात यहाँ साफ है कि अब देवोलीना घर में वापस नहीं आएंगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है। और ऐसे में एजाज खान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है मेकर्स को इस बात के लिए कन्विंस करने की कि आप देवोलीना को मेरी जगह पर लेकर आए थे, मैंने आपको नहीं बोला था। अगर मुझे पता होता तो मैं एक ऐसे शख्स का नाम लेता जो मेरी जगह खेलता। तो ऐसे में अगर आप उसे निकाल रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी शो से एग्जिट करूं। हालांकि एजाज खान की इस अपील को सलमान खान से भी डिस्कस किया जाएगा और सभी लोग बैठकर इस बात पर अब फैसला लेंगे कि क्या एजाज खान को वापस बुलाया जाना चाहिए या नहीं। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही बिग बॉस की धमाकेदार खबरों के लिए देखते रहिए टीवी धमाका।